जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे जा रहे होंगे सबके रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और गैस अभी आई है, तकरीबन टाइम हुआ है 4:15 और मैंने फटाफट जो है मैंने कहा खाना चढ़ा दिया जाए। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। प्याज ये मैंने दरमियाने साइज़ की ली है, इसको मैं लाल कर रही हूँ। इसमें मैंने 4-5 के करीब काली मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। बस, और इसके बाद मैं गोश्त डालूंगी। अब जनाब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये छनछन छनछन करता रहेगा। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। नमक जाएगा हसबे ज़रूरत। इसके बाद हम डालेंगे जनाब हल्दी। और अब डालेंगे हम लाल मिर्च पिसी हुई। वो मैंने डाली है 1/2 चाय का चम्मच। और इन सबको थोड़ा सा हम भून लेंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी पानी गोश्त गलने के लिए। इसमें मैंने दरमियाने साइज का टमाटर भी डाला है और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, सही है गोश्त जो है वो गल गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। पालक जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। और इसको हम रख देंगे अब पकने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मेथी, ये मैंने धोई है, इसमें बड़ा तल निकलता है। और इसके साथ इसमें हम काटेंगे हरी मिर्च। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है मेथी जो पड़ी है ना, सुबह अल्लाह। ये देखिए खूब अच्छी तरह जो है भुनाई उसकी हो गई है और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया। ऐसे भी मैं खानों में बहुत मतलब इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, कुछ होते हैं जिनमें डालती हूँ लेकिन इतना ही नहीं कि ऑयल से खाने लबरेज हों। तो बस ये जो है ऑयल छोड़ दिया जाएगा और ये अच्छी तरह इसकी हो गई है भुनाई और क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसको हम गार्निश करेंगे हरी मिर्च से, हरे धनिया से और फिर हम तनावल फरमाएंगे।
तो जनाब ये हो गया है पालक गोश्त तैयार, और उसके साथ मेरी है रोटी जिस पे मैंने असली घी लगाया हुआ है, और मैं इसके साथ खाऊंगी, और मैं इसके साथ थोड़ा सा दही भी लूंगी। तो जनाब मैं अपना खाना जो है तनावल फरमाती हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। ठीक है जी, पसंद आया ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।